Hello student, welcome back. Today I teach all of you that factor means गुणनखंड. बच्चों मैं आज आप लोगों को गुणनखंड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ. यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप ये चाहते हैं कि सबसे पहले आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो आप देखें उसके लिए आप सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं. आइए देखते हैं. क्वेश्चन है आपका 6x² + 5x - 6. इसका आपको क्या करना है बेटा, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, है ना. तो आप क्या करेंगे, इसके भी मिडिल टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे. उससे पहले जो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई या कांस्टेंट नियत तक टर्म में करेंगे. ये 6x² है, x स्क्वायर कोफिशिएंट 6 है, 6 का मल्टीप्लाई 6 में, मींस कि इस 6 का इस 6 में गुणा करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 36. बट प्रॉब्लम क्या है बेटा कि आपको यहाँ पे शो नहीं करना है, आप यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं. आप इसको क्या करेंगे, अपने मन में रखेंगे कि हमने यहाँ पे 6 का 6 में मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो 36 मिलेगा. आप इसे शो नहीं कर सकते हैं. तो आइए हम करते हैं. यहाँ पे हो जाएगा बेटा 6x² + यहाँ पे क्या करेंगे 9x - 4x - 6. ठीक है, कैसे किया मैंने, जब इस 6 का इस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा -36. तो 9 का 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 प्लस माइनस 9 चौके 36. और यहाँ पे क्या करेंगे, 9 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 5x. 9x - 4x = 5x. अब क्या करेंगे, हो गया फैक्टर, बहुत ही सरल है. अब क्या करना है आपको, कॉमन लेना है. ठीक है, कॉमन लेने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये 6x² है और ये क्या है +9x, इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है, एक टू में से, इसमें से एक और इसमें से टू टर्म है ना. तो यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, ये 6x² 9x है, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 3x. जब 3x कॉमन लेंगे बेटा तो यहाँ से मिलेगा 2x और यहाँ से +3. 3 2 6 x × x² और 3 3 9. जब कभी आपको लगे कि आपका रॉन्ग हो रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो कॉमन लिए रहेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, ये वाला टर्म आपको फाइंड हो जाएगा. ठीक है, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉमन लेते हैं -2. जब -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2x + 3. क्यों, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, -± 2 = 4x और 2 3 + ±6. ठीक है, अब यहाँ से क्या है 2x + 3 2x + 3, उभयनिष्ठ मीन्स की कॉमन है दोनों में. फिर इसको कॉमन लीजिए, 2x + 3 कॉमन हो गया, यहाँ से मिलेगा 3x - 2. ठीक है, ये क्या हो गया इसका गुणनखंड. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि आपके दिमाग में आ गया, आपके माइंड में फिट हो गया तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है. ठीक है, और आप ये जानते हैं कि जो फैक्टर है, गुणनखंड है, ये आपसे पीछा नहीं छूटने वाला. यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ पढ़ेंगे आगे, तो आपको इसका यूज करने के लिए अवश्य मिलेगा. तो आप इस प्रकार की जो फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन होता है इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा. ओके okay?